रमज़ान स्पेशल रेसिपी दिल को ठंडक पहुंचाने वाली। आप एक दफ़ा रमज़ान में जो है इस तरह से सेवैयाँ ट्राई कीजिएगा। आप लोगों ने भी इस तरीके से एक दफ़ा ट्राई ज़रूर करनी है सेवैयाँ। रमज़ान के हवाले से हम लोग सेवैयाँ तैयार कर रहे हैं, बहुत ही टेस्टी बनेंगी, दिल को ठंडक पहुँचाएंगी। आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इस तरीके से सेवैयाँ झटपट में तैयार होती हैं, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, बहुत ही हेल्दी होती हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, अल्लाह आप सबको खुश रखे। आज हम रमज़ान स्पेशल में जो है सेवैयाँ बना रहे हैं, सही में अफ्तारी में जिस तरह से आप खाएं दिल को ठंडक पहुँचाएँगी। ये हमने सेवैयाँ ले ली हैं, इनको हम जो है बर्तन में शामिल कर रहे हैं। पानी जो है हमने बॉयल होने के लिए रख दिया है, बहुत ही टेस्टी जो सेवैयाँ तैयार होंगी। ये हमने पानी जो है बॉयल होने के लिए रख दिया। हमारा पानी अच्छे से बॉयल हो जाए तब हम सेवैयाँ जो है तैयार करना शुरू करेंगे। पानी जो है उसमें बॉयल आना शुरू हो गया, उसमें हम सेवैयाँ शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरीके से ये हम सारी सेवैयाँ जो है अब उठा के इसमें शामिल कर देंगे। जब इस तरह से पानी खोलने लग पड़े, झाग आना शुरू हो जाए, तब आप इसमें चम्मच चलाइए। सेवैयों को हम अच्छे से गला लेंगे, वो इनकी चिपचिपाहट जो है वो भी ख़त्म हो जाएगी, पानी जो है हम निकाल लेंगे। इस तरह से जो सेवैयाँ होती हैं वो हेल्दी बनती हैं। कुछ लोगों के दिल पर जाके वजन बनना शुरू हो जाता है, इसमें चिपचिपाहट जो होती है, जिस तरह झाग बनी हुई है ये सारी उतर जाएगी, चिपचिपाहट जो होगी वो खारिज हो जाएगी, तो बहुत हल्की और स्वीट सेवैयाँ तैयार होंगी। सेवैयाँ जो हमारी गलना शुरू हो गई हैं, लेकिन हमें अभी इसको थोड़ा सा और पकाएंगे। जो है वो अब हल्की हो गई है और देखिए पानी किस तरह से चिपचिपाता है। अब हम ये सारा पानी निकाल देंगे। पानी जो है हमने सारा निकाले, देख रहे सेवैयों से आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखिए। अब इसमें हम दूध शामिल करेंगे, जिसमें दायर आसमान रहेंगे। ये हमने और दूध जो है वो शामिल कर दिया है। बस इस तरह से हम दूध शामिल करके इसको अच्छे से पकाएंगे, फिर ठंडा करके दूध को भी जो है हम यक ठंडा कर लेंगे और फिर हम इसमें शामिल करेंगे। ये हम सिर्फ इतनी शुगर शामिल करेंगे, ज़्यादा हमने शुगर नहीं शामिल करनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और अब हम इसमें चम्मच चला देंगे। अगर हम दूध में डाल के बनाते तो फ़ौरन से जो है इसमें कस्टर्ड की तरह गाढ़ी हो जानी थी। देखिए एक एक सेवई अलग है, हम इसको ठंडा करेंगे इसी तरह से अलग रह जाएंगी, लेकिन दूध हमने इसमें और शामिल नहीं करना, ठंडा होने के बाद जो है वो शामिल करना है। देखिए 5 मिनट हमने रखी है और दूध जो है हमारा इस तरह से खुश्क हो गया। अब इसको हम बॉल में जो है ट्रांसफ़र कर लेंगे। बिल्कुल एक एक सेवई जो है वो अलग है, बहुत ही टेस्टी, बिल्कुल आइसक्रीम की तरह जो है बनी है। इसको आप सहरी में खाएं या अफ्तारी में खाएं, बहुत ही टेस्टी लगती हैं। ठंडी करके खाएं, गरम खाएं, लेकिन जो ठंडी इस तरह की सेवैयाँ होती हैं अफ्तारी के बाद, बहुत ही मज़े की लगती हैं, दिल में ठंडक जो है महसूस होती है।
अब जनाब इसमें हम दूध शामिल कर देंगे, थोड़ा सा हमने दूध शामिल करना। दूध जो है हमने यख ठंडा लिया है। ये देखिए ये हमारी बहुत टेस्ट और मज़े की सेवइयाँ तैयार हो चुकी हैं। आप लोग भी ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अगर आप तुमको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। शुक्रिया। खुदा हाफिज़।